संतोष कहा प्रदेश महासचिव आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश आजाद भोपाल बता रहे हैं क्या समस्या। हाँ आज हम बैतूल छिंदवाड़ा पांडुना से और भी अन्य जिलों से अतिथि शिक्षक यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर आए हुए हैं। चूँकि हम विगत 15-16 वर्षों से मध्य प्रदेश की शासकीय संस्थाओं में अध्यापन कार्य करा रहे हैं और हमने अपने भविष्य को लेकर हजारों बार शासन प्रशासन को अपना ज्ञापन दिया और हमारे भविष्य को सुरक्षित करने की मांग की। इसी तारतम्य में पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानी शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारी महापंचायत बुलाई 2 सितंबर 2023 को और हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न घोषणाएं की, किंतु आज दिनांक तक वह घोषणाएं मात्र घोषणाएं बनकर रह गई हैं। अभी तक उन घोषणाओं के आदेश जारी नहीं हुए हैं। हम उन्हीं घोषणाओं के आदेश कराने के लिए आज यहां पर लोक शिक्षण संचालनालय के सामने उपस्थित हुए हैं। यहां बैठकर शासन प्रशासन से हम निवेदन कर रहे हैं कि हमारे भविष्य को सुरक्षित किया जाए। जो महापंचायत में घोषणाएं हुई हैं उन घोषणाओं के आदेश तत्काल जारी किए जाएं। साथ ही कुछ वर्तमान समस्याएं हैं जो अतिथि शिक्षक विगत 15-16 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आज शासन प्रशासन उन 16 वर्षों से काम करने वाले अतिथि शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं और नए पंजीयन अतिथि शिक्षकों को करा रहे हैं। वर्तमान में लगभग 11-12 लाख नए पंजीयन हो गए हैं, जिससे हजारों की संख्या में अतिथि शिक्षक बाहर हो जाएंगे। जो 15-15, 16-16 वर्षों का अनुभव रखते हैं आज वो घर से बेघर हो जाएंगे, उनका रोजगार छिन जाएगा, हमारे रोजी रोटी और हमारे बच्चों और परिवारों का क्या होगा। हम इसी के लिए आग्रह करने निवेदन करने आए हैं कि नए पंजीयन की बाध्यता पूर्णतः समाप्त की जाए। जो नए पंजीयन हुए हैं उन्हें निरस्त किए जाएं और जो पूर्व से कार्यरत अनुभवी अतिथि शिक्षक हैं उन्हें वरिष्ठता के क्रम में रखकर रिक्त पदों पर उनका समायोजन किया जाए और पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को यथावत संस्था में रखा जाए, उन्हें किसी भी कंडीशन में बाहर ना किया जाए। और एक समस्या और है कि 30% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले अतिथि शिक्षकों को यहाँ बाहर करने का रास्ता दिखाया गया है कि ऐसे अतिथि शिक्षकों को नहीं रखा जाएगा जिन्होंने 30% से कम परीक्षा परिणाम दिया है। मैं मानता हूँ कि 30% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले अतिथि शिक्षकों को तो आप बाहर कर दोगे, लेकिन उनका क्या करोगे जो नियमित शिक्षक हैं जिन्होंने 30% से कम परीक्षा परिणाम दिया है, उनके साथ क्या करोगे? अतिथि शिक्षकों को तो हटा दोगे लेकिन उनका क्या होगा? उनके साथ भी कुछ होना चाहिए। न्याय सबके क्या है? देखिए, हमारी मांग आज पूरी नहीं होगी तो हमारा निरंतर अभी अनिश्चित काल के लिए अलग अलग जिलों से हमारे अतिथि भाई यहाँ पर आते जाएंगे, धरने पर बैठते जाएंगे, अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन देते जाएंगे, धरना करेंगे, क्रमबद्ध अनिश्चित काल के लिए रहेगा। और यही